और हम लोग सबसे पहले जेम के बारे में समझते हैं, जेम क्या है एक्चुअल में। उसके बाद मैं आपको जेम का सिलेबस बताऊंगा, हम जेम में क्या क्या आपको सिखाने वाले हैं, और बाद में हमारे तरफ से आपको क्या क्या प्रोवाइड मिलेगा, मतलब हम आपको क्या क्या और फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। फिर वन बाय वन एक एक टॉपिक्स पे हम लोग जेम का ट्रेनिंग चालू करेंगे। तो सबसे पहला जेम क्या है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है जेम गवर्नमेंट ई मार्केट। जेम का फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट है, गवर्नमेंट का एक मार्केट है जो ई मार्केट के थ्रू से है, मतलब ये भी एक मार्केट है बट ये ऑनलाइन मार्केट है। ऑनलाइन में सभी चीज ये यहाँ पे ऑनलाइन होता है, कोई भी चीज जो भी परचेज है यहाँ पे वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। लाइक अमेजन फ्लिपकार्ट, जैसे कि आप लोग कोई भी चीज अमेजन से खरीदते हो तो कैसे ऑनलाइन परचेज करते हो, तो ऑनलाइन से आप जब परचेज करते हैं कोई भी चीज तो आप पहले वहां पे चीजों को पसंद करते हैं, अपने तरीके से देखते हैं, और फिर आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली वो चीज को डायरेक्ट एड टू कार्ट करके उसमें परचेज कर लेते हैं, और बाद में आप या तो सीओडी ऑप्शन चूज वगैरह करते हैं, जैसे कि वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल है, सेम यहाँ पर भी वैसा ही आपको चीजें मिलता हुआ रहेगा। सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग म्यूट करेंगे तो यहाँ पे सेम है जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह ये एक वेबसाइट है, अमेजन यदि हम लोग लेते हैं यहाँ पर भी सेम आपको लगता है, कोई भी चीज आपको यहाँ पे परचेज करना है, जैसे मुझे यहाँ पे लैपटॉप परचेज करना है तो मैं लैपटॉप बोल के सर्च कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लैपटॉप कैटलॉग दिखना चालू हो जाता है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं। अभी यहाँ पे कौन सा कंपनी का, एचपी का है, मॉडल नंबर दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, पिक्चर्स दिए हुए हैं। यदि इसको डिटेल्स में ओपन करते हैं तो और डिटेल्स में ये ओपन हो जाता है, मतलब इसमें और डिटेल्स कैटलॉग का और इन्फॉर्मेशन आ जाता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ जाता है, तो इसमें दो पार्ट में, एक विंडोज 11 में है और विंडोज 10 में भी अवेलेबल है यही मॉडल। इसका क्या है, तो ये 35.7.6 सेंटीमीटर का स्क्रीन है, i3 प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, और भी डिटेल्स देखेंगे तो विंडोज 11 होम के साथ है, पोर्टेबल माइक्रोइड डिस्प्ले थीन है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, इसके पूरे इंफॉर्मेशन आ जाते। साथ में अपने को ये भी एक चीज मिलता है, यहाँ पे किसका रेट डिस्प्ले हो रहा है, सेलर का, यहाँ पे तो कोई बेच रहा है तो यहाँ पे किसका रेट डिस्प्ले हो रहा है, जो सबसे इस प्रोडक्ट को कम प्राइस में दे रहा है उसका यहाँ पे रेट डिस्प्ले हो रहा है, बट ये प्रोडक्ट और भी लोग बेच रहे हैं देखेंगे तो नीचे, ठीक है, ये 42,000 में कोई बेच रहा है ना, ये 42,980 में बेच रहा है, ये 45,000 में बेच रहा है, पर रेट इन लोगों का डिस्प्ले नहीं हो रहा है। रेट किनका डिस्प्ले हो रहा है, और भी है यहाँ पे देखो डिलीवरी वाले, बहुत सारे लोग और भी बेच रहे हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे जो लोग बेच रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये रेट किसका सबसे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, 36,990 वाले, यहाँ पे उनका ही रेट डिस्प्ले होता है जो सबसे कम रेट में यहाँ पे आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। और जो ये इंफॉर्मेशन है, ये प्रोडक्ट का नाम है, यहाँ पे इसका मॉडल है, ये एमआरपी है, और ये प्राइस ऑफर प्राइस बोलते हैं जिसमें अपने को प्राइस मिलता है, ये मुझे 24% का डिस्काउंट करके प्राइस में प्रोडक्ट को दे रहा है। ये पिक्चर्स वगैरह है, वीडियोस देंगे तो वीडियोस भी हो सकते हैं, लिंक दिया हुआ रहेगा तो, और इसके इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, इसके स्पेसिफिकेशन सेम जेम पे भी है। अब जेम पे भी मैं लैपटॉप देखता हूँ, लैपटॉप जेम पे भी मुझे ऐसा ही चीजें मिलता फील होता है। सिर्फ देखो ग्राफिक्स अलग होंगे, थोड़े देखने का तरीका अलग होगा, ये हो सकता है। अब लैपटॉप के रिगार्डिंग सर्च किया तो बहुत सारी चीजें आ गई, लैपटॉप बैग, क्योंकि इसमें लैपटॉप लिखा हुआ है तो इसका जो कैटेगरी अपने को पता करना पड़ेगा, इसका कैटेगरी है लैपटॉप नोटबुक, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये देखिए लैपटॉप यहां पर भी दिख रहा है। अभी यहां पे भी एचपी का एक लैपटॉप है जिसका 1,27,000 रेट है, 1,08,000 में कोई बेच रहा है, तो आप इस पे यदि क्लिक करेंगे तो आपको भी ऐसा ही सेम नजर आएगा, देखो 1,08,000 है, यहाँ पे इसके पिक्चर्स वगैरह दिए हुए हैं, ये इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ये ब्रांड का नाम दिया हुआ है,
ये मॉडल नंबर है ना, और इसका 1,27,000 में था प्राइस और इसको 1,08,000 में ऑफर प्राइस कोई कर रहा है। इसके बाद टोटल कितने 3 है स्टॉक में और कम से कम एक क्वांटिटी वो दे सकता है। और यदि इसका इंफॉर्मेशन देखेंगे तो और कौन कौन ये बेच रहा है, जैसे कि अमेजन में देख रहे थे व्यू सेलर डिटेल्स, तो देखेंगे तो यहाँ पे और भी लोग बेच रहे हैं। 1,14,000 में भी कोई बेच रहा है, 1,42,000 में भी कोई बेच रहा है ना, 1,10 में भी कोई बेच रहा है, 1,14,500 में भी कोई दे रहा है। ऐसे अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग लोग यहाँ पे देखिए सेल कर रहे हैं, कितने सारे लोग ये प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। पर प्राइस किसका डिस्प्ले हो रहा है, जो सबसे कम प्राइस में ये प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा है उसका ही प्राइस यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। सेम जैसे कि आपका अमेजन में था, हम लोगों ने दिखाया था वैसा ही सेम तरीके से आपको यही फील आपको मिलता है, सिर्फ ग्राफिक्स अलग है तो थोड़ा देखने का नजरिया अलग है। यहां पर कैसा होता है, हमको ये चीज पसंद आया तो हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट बाय नाउ कर लेते हैं। ऐसे ही यदि कोई बायर को ये पसंद आता है तो बायर के पास भी यहाँ पे बाय का ऑप्शन आएगा, जब बायर से वो लॉग इन करेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट यदि अच्छा लगा तो वो परचेज कर सकता है। अमेजन पे थोड़े अलग है या फ्लिपकार्ट जो भी वेबसाइट है, यहाँ पे परचेज करने का कोई लिमिट नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया तो आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, है ना, हम तुरंत एड टू कार्ट करेंगे और परचेज कर लेंगे। पर जेम पे ऐसा नहीं, जेम पे कुछ टर्म्स है, यहाँ पर भी डायरेक्ट परचेज हो सकता है जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट पे होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट परचेज, यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्ट परचेज, जिसकी लिमिट है 25,000। 25,000 तक कोई भी आइटम आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, है ना, 25,000 तक, 25,000 के ऊपर को आप डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते कोई भी ऑर्डर। हमको ये वाला लेना है, यदि ये 25,000 का होता, 25,000 के अंदर कोई भी आइटम मुझे लेना है तो हम ले सकते हैं, जैसे एलईडी लाइट, स्ट्रीट लाइट देख लेते हैं, ये कम रेंज का ऑर्डर देखते हैं, अब ये मुझे पसंद आ गया बायर को, तो मुझे 2,150 रुपया का है तो मैं इसको डायरेक्ट परचेज बाय करके, बायर जो बायर होगा, मतलब बायर यहाँ पे डिपार्टमेंट होता है, आप बायर यहाँ नहीं हो सकते, गवर्नमेंट ई मार्केट है, गवर्नमेंट का है, तो बायर भी कौन होंगे, गवर्नमेंट होंगे, हम लोग यहाँ पे क्या होंगे, सिर्फ सेलर होंगे, हम यहाँ पे कोई चीज बेच सकते हैं, कोई चीज खरीद नहीं सकते, खरीद सिर्फ गवर्नमेंट ही खरीद सकती है, डिपार्टमेंट के लोग, तो यहाँ से वो डायरेक्ट यहाँ से परचेज कर सकता है, तो ये 2,150 रुपए का आइटम वो डायरेक्ट परचेज कर सकता है। तो ऐसे वो 12 लाइट तक खरीद सकता है, 25,000 रुपये तक का कोई भी आइटम, 25,000 रुपया तक कोई भी प्रोडक्ट वो खरीद सकता है, ये डायरेक्ट परचेज का लिमिट है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट परचेज। अभी यदि 25,000 से ऊपर का खरीदना है, जैसे ये 1,00,000 का हम लोगों ने इससे पहले एक लैपटॉप देखा था, या यही लाइट 2,150 रुपये का है, इसको ये लाइट 20 खरीदना है, 20 पीसेस खरीदना है कोई बायर को, तो यदि 20 पीसेस खरीदना है तो ये 25,000 से ज्यादा हो जाएगा, 21,500 प्लस 21,500 मतलब 43,000 का हो जाएगा। तो जब ये 43,000 का हो जाएगा कोई भी प्रोडक्ट, तो बायर के पास फिर परचेज करने का ऑप्शन डायरेक्ट नहीं रहता, फिर उसको बोलते हैं L1 परचेज, जो भी डायरेक्ट परचेज का ही पार्ट है बट उसको हम लोग बोलते हैं L1 परचेज। अभी L1 परचेज क्या होता है, L1 परचेज में क्या होता है, तीन अलग ब्रांड, ये तीन अलग अलग ब्रांड और तीन अलग अलग रीसेलर जो बेच रहा है, अलग अलग सेलर और अलग अलग ब्रांड के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा, और उस कंपैरिजन में जो सबसे कम रेट देगा उससे ही आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम लोग L1 परचेज, जिसकी लिमिट है 25,000 से ज्यादा और 5,00,000 से कम, 5,00,000 रुपए तक आप L1 परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे दो तरीके का परचेज हो गया, हम लोगों ने अभी देखा हमें जेम से दो तरीके से परचेज हो सकता है, एक परचेज को क्या बोलते हैं डायरेक्ट परचेज, और एक परचेज को बोलते हैं हम लोग L1। डायरेक्ट परचेज में कोई नहीं है, आपका 25,000 तक आइटम में सिर्फ सबसे कम रेट में आपको देना चाहिए, उसको आप डायरेक्टली ऑर्डर किसी को भी दे सकते हो, पर L1 में आप डायरेक्टली किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते, वहां पे आपको तीन अलग अलग ब्रांड और अलग अलग रीसेलर के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा,
कंपेयर करने के बाद जो सबसे कम रेट में देगा उसको आप ऑर्डर दे सकते हो, जिसकी लिमिट है L1 की लिमिट है 5 लाख। उसके बाद और एक तरीका है परचेस करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं बीड, टेंडर, है ना, आप लोग टेंडर जानते होंगे, तो टेंडर बोलते हैं। तो टेंडर से भी आप परचेस कर सकते हो, टेंडर के तरीके अलग है, जैसे कि ई प्रोक्योरमेंट। अभी हम लोग ई प्रोक्योरमेंट में आते हैं। पहले ये वेबसाइट था, है ना, सीपीपी का बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये एक पोर्टल है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल है, एक पोर्टल नहीं है। तो वहां से भी आप टेंडर भरते हो, टेंडर भर के आप परचेस करते हो। टेंडर भरते वक्त क्या होता है, अभी यहाँ पे जब हम लोग जेम से अभी कोई चीज परचेस कर रहे थे इससे पहले, तो हम लोगों ने कैटलॉग बना के रख दिया अपना, हम अपना प्रोडक्ट बना के रख दिए हैं, कैटलॉग बना दिए हैं अमेजन जैसा, और बायर को पसंद लगा और कम रेट में मिला तो बायर हमसे डायरेक्ट परचेस कर लेगा, है ना। पर जब बीड निकलेगा, जब क्या होगा, टेंडर निकलेगा, तो टेंडर में बायर अपने को इन्वाइट करेगा। जैसे ये टेंडर निकला है, सॉफ्टवेयर चाहिए उसको SQL सर्वर का, है ना, जीरो कॉल लाइसेंस का उनको एक सर्वर चाहिए। तो कौन से डिपार्टमेंट को चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को चाहिए, है ना, मिलिट्री ऑफिस इंडियन आर्मी को ये प्रोडक्ट चाहिए। कितना चाहिए, एक क्वांटिटी चाहिए। ये टेंडर भरने का एक डेट रहता है, 13 तारीख से ये टेंडर चालू हुआ है, 18 तारीख तक ये टेंडर कोई भी भर सकता है। इसको बोलते हैं बीड, टेंडर मतलब हमें, है ना, अपने को ये क्या है, एक मिनट सर, तो यहां पे क्या होता है, अपने को बायर इनवाइट करता है कि ये मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, और जिसको भी ये प्रोडक्ट देना है वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट आप कर सकते हो, पर इसमें कुछ कंडीशन रहते हैं। इसके लिए वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं आपसे, जो ऐसा ही आपका एटलीस्ट, ये यदि टेंडर भरना है तो आपका 2 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, ऐसा ही सेम प्रोडक्ट आप कहीं पर बेचे हो उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए SQL सर्वर का। तो ये डिमांड डिपेंड करता है बायर, तो बायर आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए इसको हम लोग जब बीड भरते हैं तो इसमें 2 इन्वेलप होते हैं, एक बोलते हैं टेक्निकल इन्वेलप, दूसरे को बोलते हैं फाइनेंस इन्वेलप। टेक्निकल में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट्स आपको बायर को देना पड़ता है, इसको बोलते हैं टेक्निकल इन्वेलप। जब टेक्निकल में आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आपका फाइनेंस इन्वेलप खुलेगा। फाइनेंस इन्वेलप में आप रेट डालते हो, जो ये प्रोडक्ट आप कितने में देना चाहते हो। यहाँ पे तो हम लोग रेट डायरेक्ट दे रहे थे, इससे पहले लैपटॉप देख रहे थे, LED देख रहे थे, वहां पे रेट डायरेक्ट दिया हुआ था। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हम लोग रेट कोट करेंगे, जो ये प्रोडक्ट का हम ये रेट में देंगे। अभी उसके बाद जो लोग टेक्निकल में क्वालिफाई होंगे उसमें से जो सबसे कम रेट में वो प्रोडक्ट देगा उसको ऑर्डर मिल जाएगा। ये तरीका होता है बीड का। तो ऐसे जनरली 3 तरीके से परचेज होता है, एक तरीका है डायरेक्ट, एक है L1 और एक है बीड। और भी तरीका है जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। यहां तक मैं बोलो, कुछ डाउट्स है, यहां तक में किसी को कुछ डाउट्स है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ सर, हेलो। हाँ बोले सूरज सर। मैं पूछ रहा था सर, ये बीड जो आप बता रहे हैं इसमें लिमिट क्या है सर, अमाउंट? कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपया का भी बीड हो सकता है और 200 हजार करोड़ का भी हो सकता है। ओके, मतलब जैसे आप उससे पहले बता रहे थे डायरेक्ट और, हाँ डायरेक्ट परचेज की लिमिट होती है, बीड की कोई लिमिट नहीं है। 25 और 5 लाख ऐसे कुछ बता रहे थे, तो इसमें हाँ, कोई लिमिट नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं, बीड को कोई लिमिट नहीं। सर परचेज ओनली गवर्नमेंट करता है? सिर्फ परचेज यहाँ पे जेम से सिर्फ गवर्नमेंट ही कर पाए। सर अबव 5 लाख रहेगा टेंडर, तो टेंडर निकालना पड़ेगा, मतलब क्या रहेगा अबव 5 लाख के ऊपर रहेगा तो? अबव 5 लाख रहेगा तो टेंडर निकालेंगे। तो सर ये बीडिंग जब करेंगे, मतलब ये कॉस्ट हम कैसे डालेंगे, मतलब कैसे समझेंगे? वो हम लोग आगे समझाएंगे, सिर्फ मैं आपको अभी परचेज करने का तरीका बता रहा हूँ। जी, ओके सर, थैंक यू। अभी बाद में हम लोग सिलेबस जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको पहले आपको जेम को समझना जरूरी है। जी, जेम जी, में काम होता कैसे है, नहीं तो जेम नहीं समझेंगे तो आगे सिलेबस समझना थोड़ा सा आपको टफ हो जाएगा ना। जी सर। फिर हम लोग बीड में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं,
और भी इसमें डिटेल्स है वो एक एक करके फिर हम लोग समझेंगे, है ना। अभी ये जो कैटलॉग आया है एलईडी का, वो कैटलॉग आया कैसे, आपको ऐसा कैटलॉग लिस्टिंग करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ये सब डिटेल्स हम लोग वन बाय वन से। ओके सर, बोलिए और किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में। तो ये हो गया टेंडर, है ना। अभी टेंडर, टेंडर भी अलग अलग टाइप में होते हैं। अभी टेंडर के टोटल टाइप समझो, ई प्रोक्योरमेंट में सब टेंडर एक जैसा होता है, ई प्रोक्योरमेंट में सभी टेंडर एक जैसा होता है, पर यहाँ पे सभी टेंडर एक जैसा नहीं होता, यहाँ पे सभी टेंडर बहुत अलग अलग टाइप के टेंडर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला बीड, है ना, बीड मतलब यहाँ पे कोई भी सिंगल प्रोडक्ट का टेंडर निकलेगा, कोई भी सिंगल प्रोडक्ट का, इसको यहाँ पे बोलेंगे सर्विसेस। यहाँ पे प्रोडक्ट का भी टेंडर है और सर्विसेस भी है, वर्क नहीं है। इसमें कैसा था, गुड्स वर्क और सर्विसेस है इसमें, है ना। यदि आप टेंडर कैटेगरी देखेंगे तो गुड्स का भी है, वर्क का भी है और सर्विसेस का भी है ई प्रोक्योरमेंट में। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेस है ई प्रोक्योरमेंट में, वर्क नहीं है, वर्क का टेंडर ई प्रोक्योरमेंट में रहेगा। धीरे धीरे यहाँ से गुड्स और सर्विसेस का टेंडर खत्म हो जाएगा और सब जेम पे आ जाएगा, सिर्फ वर्क का टेंडर ई प्रोक्योरमेंट में रह जाएगा। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेस का टेंडर यहाँ रहेगा। तो ये वाला है प्रोडक्ट का, ये है सर्विसेस का, ये बंच बिड मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट रहा तो इसको बोलेंगे बंच बिड, एक से ज्यादा। जैसे इनको क्या क्या चाहिए, देखो अल्कोहल, कुछ आइसो प्रोफाइल अल्कोहल चाहिए, साइलेंसर जेनसेट चाहिए, और भी यहाँ पे उसको दो तीन आइटम चाहिए, है ना। तो ये हो गया बंच बिड। और भी देखो यहाँ पे इसको ड्रिल बिड चाहिए 1.5 फीट लेंथ का और 3.75 मीटर डाया का, और एक इसको ड्रिल बिट चाहिए वो 3 फीट का चाहिए, एक 1.5 फीट का चाहिए और एक 3 फीट का चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में दो अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, इसको हम लोग बोलेंगे बंच बिड। सेम आता है सर्विसेस, सर्विसेस बिड, यहाँ पर भी बंच सर्विसेस मतलब एक से ज्यादा। अभी यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस किसका चाहिए, सर्वर सर्विस चाहिए, डेस्कटॉप का भी चाहिए और लैपटॉप का भी चाहिए, तो डेस्कटॉप का अलग, लैपटॉप का अलग। तो ऐसे इसमें दो सर्विसेज हो गए, तो ये हो गया बंच सर्विसेज। एक है बीड टू आरए, आरए को हम लोग बाद में समझेंगे, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन। ऑक्शन के ऑपोजिट होता है रिवर्स ऑक्शन। ऑक्शन में दो टाइप होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड ऑक्शन, एक होता है रिवर्स ऑक्शन। तो ये है रिवर्स ऑक्शन, हम इसको आगे समझते हैं। उसके बाद आता है कस्टम बीड। कस्टम बीड मतलब यदि मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है, अभी हर एक प्रोडक्ट तो जेम पे नहीं मिलेगा, जैसे अमेजन पे, क्या अमेजन पे अपने को हर एक प्रोडक्ट मिलता है जी, जो भी चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे कार परचेस करना है, क्या कार हम अमेजन से परचेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि अमेजन पे नहीं है वो। तो ऐसे हर एक चीज आपको जेम पे भी नहीं मिलेगा, पर बायर को यदि कुछ चीज लेना है, अब बायर के लिए मैंडेटरी हो गया है, डिपार्टमेंट के लिए, कोई भी डिपार्टमेंट होने दो, उनके लिए मैंडेटरी हो गया है कि आपको यदि कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विसेस लेना है तो आपको जेम से ही लेना पड़ेगा, ऐसा बताता है। तो ऐसे कंडीशन में अभी ये यदि कोई प्रोडक्ट जेम पे नहीं है तो वो क्या करेगा फिर कोई भी बायर, तो इसके लिए ऑप्शंस है कि वो उसका कस्टम बिड निकाल सकता है। तो कस्टम बिड को भरने का प्रोसेस अलग है, हम लोग आगे समझेंगे और भी कस्टम बिड। और एक बीड होता है, उसको बोलते हैं बीओक्यू बीड। तो यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बीओक्यू बीड, ऐसे टोटल 7 टाइप के बीड होते हैं, है ना। और सातों टाइप के बीड को भरने का प्रोसेस अलग अलग है, एक तरीके का नहीं है, ई प्रोक्योरमेंट में जैसा नहीं है। यदि आप लोग ई प्रोक्योरमेंट में किसी ने टेंडर भरा होगा तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे सबको टेंडर भरने का प्रोसेस अलग अलग है, यहाँ पे हम लोग इसको अलग अलग बोलते हैं। तो ये टोटल हो गया बीड। उसके बाद और एक बोलते हैं इसको परचेज रिक्विजिशन, पीआर। पीआर से भी लोग परचेज कर सकते हैं, जिसकी भी लिमिट 5 लाख है। ये जनरली सर्विसेज में होता है, परचेज रिक्विजिशन जनरली सर्विसेज में से परचेज होता है, पीआर बोलते हैं। तो इतने टाइप में यहाँ पे जेम से परचेज हो सकता है ना। तो ये जेम पे परचेज करने का तरीका है, बायर आपसे परचेज करेगा।
तो सेम अभी हम लोग आते हैं फिर से अमेजन पे। जैसे अमेजन पे कोई कैटलॉग है तो आपको यहाँ यदि कोई प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अमेजन पे कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग किया हुआ है, किसी ने तो लिस्टिंग किया है ये वाला प्रोडक्ट, कोई तो होगा सेलर जिसने इसको लिस्टिंग किया है। ऐसे आपको यदि यहाँ पे कोई चीज बेचना है तो आपको भी यहाँ पे आपको वो चीज को लिस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पोर्टेबल टॉयलेट है तो आपको भी ये प्रोडक्ट लिस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे किसी ने लिस्टिंग किया है, आप भी ये वाला प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको भी यहाँ पे ये लिस्टिंग करना पड़ेगा, और ये लिस्टिंग डायरेक्ट परचेज के लिए आपको काम आएगी। सेम सर्विसेज में भी है, सर्विसेज में आपको यदि कोई चीज चाहिए तो सर्विसेज में भी आपको लिस्टिंग करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, लॉग इन करेंगे तो सर्विसेज आएगा, तो सर्विसेज में भी आपको लिस्टिंग करना पड़ेगा आपका कोई भी चीज, तो आप लिस्टिंग करेंगे तो आप उसको सेल कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट्स है तो बताओ। चलिए उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सबसे पार्ट हो जाता है कैटेगरी। जैसे देखो यहाँ पर भी कैटेगरी है, ऑल दिया हुआ है, ऑल कैटेगरी मतलब सभी कैटेगरी। अभी ये वाला कोई भी प्रोडक्ट आपको यदि कैटेगरी में, अभी मैं यहाँ पे फैशन में जाके अमेजन फैशन या अमेजन फ्रेश या फिर अप्लायंस में जाके बुक ढूंढूंगा, अप्लायंस में मैं बुक ढूंढूंगा तो क्या बुक मिलेगा मुझे? अप्लायंस में मैं बुक ढूंढूंगा तो मिलेगा मुझे? नो सर, नहीं मिलेगा। फर्नीचर में बुक ढूंढूंगा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्नीचर का वो पार्ट नहीं है, उसकी अलग कैटेगरी है। ऐसे ही जेम पे, जेम पे आपका कैटेगरी आपको पता होना चाहिए। जेम पे जो आपका प्रोडक्ट है उसका कैटेगरी पता करना पड़ेगा। तो ये जैसे अभी ये जो क्या है टॉयलेट, ये पोर्टेबल टॉयलेट है शायद, है ना? नहीं, क्या है? मोबाइल स्टोरेज है, मोबाइल स्टोरेज कॉम्पैक्टर है। तो इसकी कैटेगरी क्या है? तो मोबाइल स्टोरेज कॉम्पैक्टर बोलते हैं। तो ये आपको कैटेगरी पता करना पड़ेगा। ऐसे आपके जो प्रोडक्ट होंगे उसकी कैटेगरी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसी कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग होगा। सेम सर्विसेज है तो सर्विसेज में भी आपको आपका कैटेगरी पता करना पड़ेगा, और उसी कैटेगरी में आपको आपका लिस्टिंग करना पड़ेगा, तो ही आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज लिस्टिंग होगा, नहीं तो लिस्टिंग नहीं होगा। तो ये कैटेगरी का एक बराबर पार्ट आता है, कैटेगरी है। उसके बाद ब्रांड है, यदि आपका खुद का कोई ब्रांड है या फिर आप कोई ब्रांड यहाँ रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो ब्रांड आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो ही वो ब्रांड यहाँ दिखेगा। जब तक ब्रांड रजिस्टरिंग नहीं करेंगे तब तक वो ब्रांड यहाँ नहीं दिखता है। तो ऐसे यहाँ पे सभी चीजें इस तरीके से, तीन शॉर्ट यदि हम लोग इसको बोलेंगे तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट का एक मिला हुआ एक पार्ट है। जैसे ई प्रोक्यूरमेंट, अमेजन, ई ऑक्शन, है ना? ई ऑक्शन, ऑक्शन का जो साइड होता है ई ऑक्शन, यहाँ पे बोली लग ई ऑक्शन इसका, है ना? ये सब का एक मिला हुआ एक सिंगल जेम है। ये सब पोर्टल को मिला देंगे तो सब पोर्टल का एक मिला हुआ चीज हमारा जेम है। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप सिर्फ सेल कर सकते हो, परचेज ओनली डिपार्टमेंट करेगा। बोलिए, जेम को समझने में कोई दिक्कत या कुछ पूछना है तो बताओ। तो चलेंगे हम लोग पहले फिर इसका सिलेबस डिस्कशन करते हैं, क्या है जेम में, हम लोग आपको इस ट्रेनिंग में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, है ना? सिलेबस डिस्कशन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सर का एक क्वेरी है, हाउ टू क्रिएट कैटेगरी। सर हम लोग सभी डिस्कशन करेंगे, क्रिएट आप जनरली कैटेगरी क्रिएट नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। जब हम लोग सिलेबस चालू करेंगे तो मतलब क्लासेस चालू करेंगे तो हम लोग आपको बताएंगे। जनरली आप क्रिएट कैटेगरी क्रिएट नहीं कर सकते, जो मार्केट में कैटेगरी है उसी में आपको बेचना पड़ेगा। नया कैटेगरी के लिए कर सकते हैं पर बायर कर सकता है, सेलर की तरफ से होना बहुत मुश्किल है, पर रिक्वेस्ट कैसे भेजना है वो मैं आपको जरूर बता देता।
तो सबसे पहले सिलेबस, सिलेबस में हम आपको क्या क्या कवर करेंगे, तो देखो सिलेबस में पहले सेलर और बायर, इसमें दो पार्ट हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो सेलर में, सेलर में सबसे पहला रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दो पार्ट में, दो तरीके से होता है, एक पेन बेस्ड और एक आधार बेस्ड। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दो पार्ट में हो, दो तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे पेन बेस्ड और एक आधार बेस्ड, हम लोग दोनों को एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझेंगे। ये पूरा लाइव तो नहीं बता पाऊंगा, पर मैं आपको जितना हो सकता है उतना लाइव करके आपको बताऊंगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन सेलर का, सेलर का रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम इनका प्रोफाइल अपडेट करना पड़ता है। जैसे प्रोफाइल अपडेट में क्या क्या रहता है, तो प्रोफाइल अपडेट में आपका सबसे पहला पैन कार्ड वैलिडेशन रहता है, आधार कार्ड नहीं किया तो आधार वैलिडेशन आपको करना पड़ता है ना। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट का डिटेल्स वहां पे अपडेट करना पड़ता है, एड्रेस प्रूफ डालना पड़ता है, एड्रेस का डिटेल्स, जीएसटी नंबर अपडेट करना पड़ता है, आईटीआर अपडेट करना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो भी चलता है, इनकम टैक्स मैंडेटरी नहीं है, पर जिनकी कंपनी 2 साल से ज्यादा पुरानी है उनके लिए मैंडेटरी होता है, 2 साल तक के लिए आईटीआर मैंडेटरी नहीं है। एमएसएमई उद्यम, स्टार्टअप इंडिया, ई इनवॉइस डिक्लेरेशन, डीओ ऑर्डर, ये सब चीजें वहां पे रजिस्टर करना पड़ता है, ये सब अपडेट करना पड़ता है। तो हम अपना प्रोफाइल को कैसे अपडेट करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। प्रोफाइल अपडेट होने के बाद कॉजन मनी की बात आती है। देखो जेम पे यदि आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो जेम पे आपको एक डिपॉजिट अमाउंट रखना पड़ता है अकाउंट क्रिएट करने के बाद। जब तक ये डिपॉजिट अमाउंट नहीं भरेंगे तब तक आप जेम पे कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कॉजन मनी। कॉजन मनी 5,000, 10,000 और 25,000 है ना। जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है उनको 5,000, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से 5 CR के बीच है उनको 10,000, और जिनका टर्नओवर 5 CR से ऊपर है उनको 25,000। ऐसे कॉजन मनी यहाँ पे डिपॉजिट रखना पड़ता है। ये रिफंडेबल है, जिस दिन हम अकाउंट क्लोज कर देंगे उस दिन वो पैसा आपको रिफंड कर देगा, तो ये रिफंडेबल अमाउंट है ना। तो कॉजन मनी आपको भरना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी। तो हम लोग कॉजन मनी के बारे में देखेंगे और कॉजन मनी भरना भी देखेंगे। कॉजन मनी हो गया, कॉजन मनी के बाद हम लोग देखेंगे प्रोफाइल का अपडेट। जैसे मुझे ईमेल आईडी बदलना है, मोबाइल नंबर बदलना है, तो वो कैसे हम बदल सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी यूजर के बारे में देखेंगे, सेकेंडरी यूजर क्या होता है और हम सेकेंडरी यूजर कैसे बना सकते हैं। तो सेकेंडरी यूजर के बारे में हम लोग देखेंगे। ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा। तो हम लोग डे 1 में इतना देखेंगे और कोशिश करेंगे कैटलॉग का थोड़ा समझने का। फिर कैटलॉग, कैटलॉग मतलब जैसे कि आपको, हम लोगों ने देखा एलईडी लाइट, एलईडी का अभी अलग गार्डन लाइट, एलईडी गार्डन लाइट, अब ये गार्डन लाइट। तो ये गार्डन लाइट में भी ये प्रोडक्ट बेचता हूँ, है ना। जैसे कि मान लीजिए सेम विप्रो कंपनी का मैं भी प्रोडक्ट बेचता हूँ और यही वाला प्रोडक्ट मेरे पास भी है। अभी ये लाइट कैसा हो सकता है, गार्डन लाइट यदि कोई बेच रहा है यहाँ पे, तो या तो ये प्रोडक्ट सेम टू सेम यही मॉडल नंबर का प्रोडक्ट मेरे पास भी हो सकता है, सेम मॉडल नंबर का। यदि मॉडल नंबर सेम हुआ, ब्रांड सेम हुआ, तो ये प्रोडक्ट के फोटो भी यही रहेंगे, इस प्रोडक्ट का एमआरपी भी यही रहेगा। हाँ, ऑफर प्राइस अलग हो सकता है, ये 10,800 में बेच रहा है, आप 10,000 में बेच सकते हो, है ना। स्पेसिफिकेशन भी यही रहेगा। तो यही वाला प्रोडक्ट यदि आपको बेचना है, यही वाला प्रोडक्ट आपको बेचना है, तो हम इस प्रोडक्ट को अपने प्रोफाइल में लिस्टिंग कर सकते हैं, हम भी ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अमेजन पे देखा था। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं पेयर। यदि कोई मार्केट में प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को मैं अपने प्रोफाइल में भी, मैं भी बेचना चाहता हूँ, मेरे प्रोफाइल में भी वो प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाहता हूँ। यदि कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, सेम प्रोडक्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सेम प्रोडक्ट, हम भी वो प्रोफाइल में लिस्टिंग करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं पेयर, है ना। तो हम पेयर करके अपने प्रोफाइल में लिस्ट कर सकते हैं।
दूसरा है क्लोन, बट अभी सेकंड पोजीशन में क्या होता है, क्लोन में क्या होता है, मार्केट में ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट विप्रो कंपनी का मार्केट में प्रोडक्ट है, इसका जो स्पेसिफिकेशन है सेम मेरा भी स्पेसिफिकेशन 50 सेंटीमीटर का है, 45 वाट का है, -10 to +50 का है, 1 साल का वारंटी है, मेरा भी प्रोडक्ट सेम है, पर मेरा प्रोडक्ट का ब्रांड अलग, मेरा प्रोडक्ट का ब्रांड अलग, ब्रांड अलग है तो लुक भी अलग हो सकता है, नाम भी अलग होगा, मॉडल भी अलग होगा, तो सेम प्रोसेस को यदि कोई प्रोडक्ट मेरे ही स्पेसिफिकेशन का है पर अलग ब्रांड का है तो हम, और ऐसे कंडीशन में मैं कोई प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना चाहता हूं तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोन, क्लोन करके आप लिस्टिंग कर सकते हो। और तीसरा प्रोसेस है नया, मार्केट में मेरा स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट ही नहीं, मुझे नया स्पेसिफिकेशन में प्रोडक्ट डालना, जैसे मेरा लाइट 45 वाट का है, मेरा लाइट है 40 वाट का, और 40 वाट का मार्केट में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो ऐसे में हम करेंगे नया प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो हम अपने प्रोफाइल में कोई भी प्रोडक्ट कितने तरीके से लिस्टिंग कर सकते हैं, 3 तरीके से, पेयर, क्लोन और न्यू, तो ऐसे तीनों तरीके का प्रोसेस आपको बताऊंगा। अभी आते हैं हम लोग सर्विस, सर्विस में कोई कैटलॉग में पेयर या क्लोन नहीं होता, सर्विस में हमेशा नया ही ऐड करना पड़ता है, तो ये हो गया सर्विस। सर्विस में भी हम अपना कोई भी सर्विसेज लिस्टिंग कर सकते हैं, बट वही लिस्टिंग कर सकते हैं जो जेम पे अवेलेबल है, जो जेम पे अवेलेबल नहीं है कैटेगरी उसके वो छोड़ के दूसरा लिस्टिंग नहीं कर सकते। ये हो गया सर्विसेज। तो हम लोगों ने कैटलॉग देखा, प्रोडक्ट का और सर्विसेज का हम लोग कैटलॉग देखेंगे, कैटलॉग के बाद ब्रांड देखेंगे। यदि कोई मार्केट में ब्रांड नहीं है, मेरा कोई ब्रांड है या कोई ब्रांड मैं बेचता हूं और वो ब्रांड यहाँ लिस्टिंग नहीं है, तो हम अपने ब्रांड को कैसे लिस्टिंग करवा सकते हैं, तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन देखेंगे। उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग देखेंगे कोई कोई प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर भी और एक कैटेगरी यहाँ पे बना हुआ है Q1, Q2, Q3, Q4, देखो ये क्या है, Q3 कैटेगरी है ना, ऐसे आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे 5 कैटेगरी है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे यहाँ पे 5 कैटेगरी मिलेगा, है ना। तो 5 कैटेगरी में डिफरेंस क्या है, जैसे लैपटॉप नोटबुक, ये Q2 कैटेगरी में है, ये Q2 कैटेगरी में, जैसे हर एक कैटेगरी में क्या है खासियत और किस कैटेगरी को हमको लिस्टिंग करने के लिए क्या दिक्कत आ सकती है, इसमें क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो देखेंगे। और इससे ही रिलेवेंट है रीसेलर पैनल, इसको हम लोग बोलते हैं, और एक इसको रीसेलर पैनल, तो हम लोग Q2, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 या क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स के प्रोडक्ट, तो रीसेलर पैनल और Q1 से Q5 कैटेगरी का प्रोडक्ट का हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। इसके बाद आएंगे हम लोग OEM पैनल या वेंडर असेसमेंट। यदि आप कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर हो, जैसे ये प्रोडक्ट दो लोग बेचते हैं, एक OEM बेचता है और दूसरा रीसेलर बेचता है, OEM जो मैन्युफैक्चरर है, यदि इस प्रोडक्ट का ये आप ही मैन्युफैक्चरिंग करते हो और आप ही बेचना चाहते हो तो आप क्या होंगे, OEM होंगे, और दूसरा होगा रीसेलर। यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग दूसरा कोई कंपनी करता है और मैं सिर्फ उसको खरीद के बेचता हूं तो मैं क्या होऊंगा, रीसेलर। तो यदि आप मैन्युफैक्चरर हो और जेम पे अपना एजे अपना प्रोडक्ट OEM की तरह बेचना चाहते हो, आप मैन्युफैक्चरर होंगे तो ही आपको OEM मिलेगा, तो आप अपने आप को OEM में रजिस्टर कैसे करेंगे, तो इसको बोलते हैं OEM पैनल या वेंडर असेसमेंट। तो हम लोग यहाँ पे वेंडर असेसमेंट और OEM पैनल के बारे में जानेंगे, ये हमारा उसके बाद का टॉपिक है। फिर टेंडर में आप एंट्री मारेंगे, टेंडर में देखेंगे टेंडर कैसे सर्च करते हैं, यहाँ पे टेंडर हम लोग सर्च कैसे कर सकते हैं, कोई भी टेंडर को सर्च कैसे करेंगे। सर्च करने के बाद टेंडर को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ये टेंडर है, ये टेंडर को पूरा हम लोग स्टडी करेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट पूरा हम लोग, नीचे तक का पूरा पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे, इस टेंडर को समझेंगे, क्योंकि यही टेंडर को जब समझेंगे भी हम टेंडर को प्रॉपर वे से
भर सकते हैं। ये नहीं समझा तो हम नहीं भर सकते, ठीक है। तो समझेंगे साथ में हम लोग मेक इन इंडिया परचेस, मेक इन इंडिया के बारे में जानेंगे, एमएसएमई के बारे में जानेंगे और इसके लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे एक्सपीरियंस क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है, सर्टिफिकेट इन एटीसी क्या होता है ना, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है और इसमें जो भी लगते हैं डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे और डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी समझेंगे और फिर टेंडर में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं वो समझेंगे। अभी हर एक टेंडर को पार्टिसिपेट करने का तरीका अलग अलग, तो हर एक टेंडर को मैं आपको भर के दिखाऊंगा और हर टेंडर में पार्टिसिपेट करने का तरीका। इसमें भी ईएमडी होता है, ईएमडी कैसे भरते हैं, ईएमडी कौन से टेंडर में ईएमडी है, किसमें नहीं है, ये भी हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा हो गया बीड का। बीड के बाद यदि उसके बाद आएंगे हम लोग ऑर्डर्स। यदि आपको किसी का ऑर्डर मिलता है, चाहे वो डायरेक्ट परचेज हो या L1 परचेज हो या फिर टेंडर के थ्रू से या बीड के थ्रू से मिला हुआ हो, तो ऑर्डर्स में आप उसको इनवॉइस कैसे जनरेट करोगे, है ना। इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है जेम पे, तो जेम पे इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे और अपना डिलीवरी चालान कैसे अपडेट करोगे वो हम लोग ऑर्डर्स में पढ़ेंगे। ये पूरा पार्ट रहेगा सेलर का। साथ में कैटेगरी का किसी ने पूछा था, तो नया कैटेगरी, यदि जेम पे कोई कैटेगरी नहीं है तो उस कैटेगरी को नया डालने के लिए हम जेम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डाल तो नहीं सकते पर जेम को हम बता सकते हैं ये कैटेगरी आप जेम पे लेके आओ, ऐसा हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जेम को कैटेगरी के लिए रिक्वेस्ट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इसमें कवर करूंगा। बाद में टेंडर आपको मिला या कोई भी टेंडर का स्टेटस आपको देखना है तो स्टेटस आप कैसे देख सकते हो, और इंसिडेंट मैनेजमेंट, यदि आपने जेम पे कोई प्रॉपर काम नहीं किया, जैसे ऑर्डर एक्सेप्ट किया और डिलीवरी नहीं दिया, या ऑर्डर कोई एक्सेप्ट ही नहीं किया, ऑर्डर मिला और एक्सेप्ट भी नहीं किया और डिक्लाइन भी नहीं किया, या फिर आपने प्रॉपर मटेरियल नहीं दिया, गलत क्वालिटी का, जो प्रोडक्ट उनको चाहिए था गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया, तो आपको डिपार्टमेंट ब्लैकलिस्ट कर सकता है। किसको बोलते हैं इंसिडेंट, तो किस किस केस में आप पे इंसिडेंट रेज कर सकता है, या आप किसी के अगेंस्ट में इंसिडेंट रेज करना चाहते हो तो आप कैसे इंसिडेंट रेज करोगे, या इंसिडेंट का रिप्लाई देना है तो वो कहां से देंगे, तो इंसिडेंट मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, इंसिडेंट मैनेजमेंट के बारे में। तो ये पूरा हमारा सेलर का सिलेबस होगा। बोलिए, सेलर का सिलेबस में कोई डाउट्स कुछ पूछना है सर? इसमें हमें इस वक्त अकाउंट की जरूरत ना पड़ेगी, अकाउंट की जरूरत मतलब लॉग या साइन अप या रजिस्ट्रेशन की जरूरत, मतलब इस वक्त यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो अकाउंट तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ये बायर का सेलर का अकाउंट होना चाहिए, बायर का मतलब किसका अकाउंट होना चाहिए सर? आप क्या हो, बायर हो तो बायर का होगा, आप सेलर हो तो सेलर का होगा, आप डिपार्टमेंट के लोग हो तो बायर, आप यदि नॉर्मल हो आप कोई चीज सेल करना चाहते हो तो सेलर का। सर हाँ बोलिए सर, बोलिए सर, हेलो अनम्यूट कीजिए सर और बताइए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर। मैं पूछ रहा था, आप जब बता रहे थी बिडिंग में जो आप टेंडर वाला दिखा रहे थे सर, जो आपने अभी ओपन करके रखा, इसमें जो बता रहे थे आपके सर्च करके देख सकते हैं, वो सर्चिंग क्या सर डिपार्टमेंट वाइज या ऐसे स्टेट वाइज? जो भी यहाँ पे जो भी सर्च का प्रोसेस है वो सभी सर्च का प्रोसेस के बारे में हम लोग बताएंगे। ओके, जितने भी किस किस तरीके से टेंडर को सर्च कर सकते हैं ना जी, और सेलर के सिलेबस में कोई डाउट्स? चलिए तो हम लोग बायर का सिलेबस, बायर में बायर का रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एज ए बायर, बायर का आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे और रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या लगता है। यहाँ पे सबसे पहला एचओडी का अकाउंट क्रिएट होता है, तो एचओडी का अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, और बाद में एचओडी के नीचे जो लोग होते हैं, जैसे एचओडी यदि जिला परिषद में बात करें या पंचायत समिति में बात करते हैं, तो पंचायत समिति में एचओडी कौन होता है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो एचओडी होगा। तो उनका अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, और फिर बाद में डिपार्टमेंट के नीचे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं
डिपार्टमेंट के, जैसे अभी मान लीजिए पूना हो गया, पंचायत समिति कुछ पूना हो गया, पंचायत समिति नीचे जितने भी पंचायत ग्राम पंचायत होंगे उनके ग्राम पंचायत का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनके अंदर बायर पेमेंट अथॉरिटी और कंसाइनी कैसे ऐड करेंगे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी यूजर। तो सेकेंडरी यूजर क्रिएट कैसे करेंगे, सेम जैसे कि हम लोग सेलर में थे सेम बायर में। तो पहले दोनों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बताएंगे, एक एचओडी का भी और सेकेंडरी यूजर का भी, दोनों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया तो बायर में हम लोग परचेज कैसे करते हैं। बायर में सबसे पहले डायरेक्ट परचेज कैसे करते हैं, है ना, आपका ऑर्डर आपको ही मिले डायरेक्ट परचेज के थ्रू से, तो वो एक परचेज करके बताएंगे। L1 परचेज कैसे होता है, कंपैरिजन करके परचेज कैसे होता है, और उसमें भी कोशिश करेंगे कि आपका ऑर्डर आपको ही मिले L1 के थ्रू से, वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। और फिर टेंडर बनाते कैसे, टेंडर हम लोगों ने यहाँ पे भरना सीखा, बायर के पार्ट में टेंडर बनाना सीखेंगे, तो टेंडर बनाते कैसे, ये सब बायर के पार्ट में कवर करेंगे। टेंडर अलग अलग, टेंडर का बनाने का तरीका अलग अलग है, जैसे भरने का प्रोसेस अलग अलग था ऐसे बनाने का भी तरीका अलग अलग होगा, तो हर एक टेंडर को बनाने का पूरा प्रोसीजर को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सभी चीजें हमारा सिलेबस में कवर होगा बायर। बोलिए, बायर के सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स, किसी को कुछ पूछना है? सर ये जो आपने एचओडी बताया ना, पंचायत समिति और सेकेंडरी यूजर, हाँ ये सर बायर में आते हैं? ये बायर में आता है। अच्छा, एचओडी को बायर बोलते हैं? हाँ, एचओडी बायर का। हाँ जी जी, ठीक है सर। ये हमारा सिलेबस होगा, इसके साथ हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, जो लेक्चर होगा ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो हमारे भगत टेक्नो ऐप पे मिलेगा, है ना, अपना भगत टेक्नो का ऐप है, वहां से आपको वीडियो आपको मिल जाएगा। आप वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ आप देख सकते हो। ये वीडियो आपको जनरली 1 साल तक आपको ये वीडियो का एक्सेस मिलेगा, और साथ में हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पे आपको आगे कोई डाउट्स रहा तो आप वहाँ पे अपने क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, हमारे पुराने भी स्टूडेंट रहते हैं वो लोग भी आपको आंसर दे देते हैं, और नहीं तो मैं जब व्हाट्सएप देखता हूँ तो मैं दे देता हूँ। अभी जैसे मैं फिलहाल के लिए अभी कैसा है, मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अभी कोई क्वेरी आया रहेगा तो मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, तो ऐसे कंडीशन में मेरे से रिप्लाई नहीं हो पाता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट रहते हैं ओल्ड स्टूडेंट, तो वो लोग आपको रिप्लाई दे देते हैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स होता है उनका, स्क्रीनशॉट लेने का और ग्रुप में पोस्ट कर देने का। यदि नहीं हुआ तो मैं जैसे ही देखूंगा वैसे ही मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगा, साथ में मेरा नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे भी कॉल कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एरर का सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा, काम करके नहीं मिलेगा, काम करने के चार्जेबल बेसिस पे। आपको कोई काम करवा के चाहिए तो चार्जेबल होगी, जैसे आप एक टेंडर भर रहे हो, टेंडर भरते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, पर आप बोलेंगे ये टेंडर भर के दो तो वो चार्जेबल है इस पे। तो ये सभी चीजें हमारे तरफ से आपको प्रोवाइड होगा, साथ में पूरे जो भी हम पढ़ाएंगे उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ में स्टेप बाय स्टेप नोट्स मिलेंगे, और जो टेंडर के डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, मेक इन इंडिया का डॉक्यूमेंट्स, ATC क्या होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा होता है, कैटलॉग कैसा होता है, ये सभी चीज का आपको एक नोट्स मिलेगा, मतलब होता कैसा है उसका एक फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सभी चीजें हमारे तरफ से आपको प्रोवाइड करेंगे। सर ये ऐप iOS पे नहीं है? हाँ, ये ऐप जो आपने बोला अभी भगत टेक्नो ऐप, ये iOS पे नहीं है? iOS पे भी है, क्लास प्लस बोल के iOS पे, क्लास प्लस। हाँ ओके सर, थैंक यू। बोलिए सर, जो नोट वोट सर जितना भी बोल रहे हैं सर, वो क्या भगत टेक्नो ऐप में ही मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, नोट्स जो भी है वो आप लोगों को पर्सनल आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ओके, सिर्फ वीडियो हमारे भगत टेक्नो ऐप पर रहेगा, ओनली वीडियो जो आज का मतलब अभी जो भी हम लोग लेक्चर लेंगे, हाँ उसका पूरा वीडियो का एक्सेस व्हाट्सएप में मिल जाएगा, है नोट्स वगैरह सब कुछ। हाँ हाँ, बाकी जो भी कंटेंट है वो सब व्हाट्सएप में आपको भेज देंगे।
बोलिए, यहाँ तक में कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो बताइए।